नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें पर। दोस्तों, पिछली वीडियो कि टाइप ग्लिसरी कितनी सेफ है आपके लिए, या यू कहिए कि टाइप ग्लिसरी की बुराइयाँ क्या है, इस पर मैंने वीडियो बनाई और आप लोगों की जो रिएक्शन आया उसे देख कर मैं भी डर गया कि इतनी दीवानगी है आप लोगों की इस दवा के प्रति कि उसकी बुराई सुनने को तैयार नहीं है। पर दोस्तों, एक बात बता दूँ, ये कोई जादू की जड़ी बूटी तो है नहीं कि बस फायदा करेगी। ये तो अंग्रेजी दवाई है, केमिकली बेस है, बिना साइड इफेक्ट के कोई अंग्रेजी दवा हो ही नहीं सकती। मतलब इस दवा में भी उसी प्रकार से साइड इफेक्ट हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक होंगे, पर आपने बहुत जल्दबाजी में, गुस्से में आपने इतने सारे कमेंट कर डाले, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उसमें अच्छाई क्या है। सिर्फ बुराई तो आपको नजर आई, बुराई वो भी कितने परसेंट, मात्र 13%, 6% को तो मामूली दिक्कत हुई ना, तो उसे कौन गिनता है। तो मात्र 13% हुए, अगर मैं मामूली दिक्कत वालों को भी जोड़ दूं तो बैठते हैं 19%, बचा कितना 81%। इसमें पॉजिटिव बात यही तो थी, अरे 81% को कोई दिक्कत नहीं हुई, वो ठीक रहे, मतलब ये दवा तो बहुत काम की है। अब दोस्तों, ये जो लास्ट वाले ट्रायल चल रहे हैं, मैं तो यही दुआ करूंगा कि इसमें भी यही रिजल्ट रहे, मतलब रिपीट हो जाए, यानी कि 13% को दिक्कत हो रही है, 6% को मामूली दिक्कत हो रही है, 81% सेफ है, तो ये दवा बहुत बढ़िया होगी। कोई सी भी दवा देख लो, आपने जो वैक्सीन लगाई थी वो भी कितनी कारगर थी, कोई 70%, कोई 80%, और हमने लगवाई, हमें फायदा हुआ और हम बचे रहे कोरोना की महामारी से। तो दोस्तों, इस दवा के अगर फाइनल रिजल्ट में यही सब रिपीट होता है तो ये दवा कारगर है, बहुत फायदेमंद है। भाई देखो, कुछ को तो दिक्कत करेगी, तो इसीलिए तो सलाह दी जाती है, अगर आप किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ये दवा लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। वो खुद आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर या आपकी बॉडी किन चीज़ों से एलर्जी महसूस करती है तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर इस दवा की सलाह देंगे और ये दवा खाने से आपको फायदा ही होगा। पर यही बात ध्यान में रखना कि बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह, उनके बिना देखरेख में दवा नहीं खाना है। भाई उन्हें तो माल बेचना है, दवा बेचनी है, दवा कंपनी ने दवा बनाई है तो वो तो चाहेगी मोटा मुनाफा कमाए, पर आपका इस दवा से नुकसान हो फायदे की जगह, तो ये अच्छी बात नहीं हो, ना तो मैं चाहूँगा ना आप चाहेंगे। हम दांतों को दोबारा ठीक करने के लिए, उनके रिपेयरिंग के लिए, दोबारा उगाने के लिए इस दवा को खा रहे हैं। अगर इस दवा खाने से हमारी जान चल जाती तो हम उस दांत का क्या करेंगे। तो यही बात ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाई, पर कुछ लोगों ने पॉजिटिव बात पे ध्यान नहीं दिया, हालांकि मैंने कमेंट भी किया था। हमारे एक सब्सक्राइबर, शायद उनका नाम रितिका जी था, रितिका जी ने काफ़ी खतरनाक कॉमेंट किए, मैंने पढ़े, पर मैं कुछ देर सोचता रहा मैं कि क्या जवाब दूं इन्हें, रितिका जी को। तो मैं बता देता हूं कि दवा के फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। 13% नुकसान है, 81% फायदे हैं, और अगर मैं 6% और जोड़ दूं तो 87% फायदे हैं, 13% लॉस हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो, तो ये दवा फायदेमंद है। बाकी फाइनल रिजल्ट आने पर हम आपसे इसके विषय में बात करेंगे। और दोस्तों, एक कमेंट जो मैंने बीच में रोक दिया था कि इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, वो कमेंट था या वो बात थी कि जिनके दांत जड़ से निकल गए हैं क्या वो इस दवा से वापस आ सकते हैं। तो अगली वीडियो में इसी पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।